हेलो एवरीवन अगेन वेलकम बैक एट मेडिकोल्स एंड आई होप यू ऑल विल बी वेल सो टुडे इज द ट्वेंटी एट जैन एंड अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है और ए बी वी एम की वेबसाइट पे जब कॉल किया तो उन्होंने बोला था एक हफ्ते वेट करने के लिए और एक हफ्ता पूरा हो चुका है वैसे आज रिजल्ट आना चाहिए था पर पता है वो भी झूठ बोल रहे हैं उनसे भी नहीं हो रहा है लेट हो रहा है तो फिर वो भी ऐसा मतलब बोल बस हम लोगों को थोड़ा तसल्ली देने के लिए सेटिस्फेक्शन देने के लिए बस बोल देते हैं बाकी कुछ पता नहीं कब तक आएगा तो जब भी आएगा ना तो आ ही जाएगा उसके लिए होप मत करो कि कब आएगा क्योंकि वो लेट ही होना है सो so, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है और मैं डेली वीडियोस में यही बात बोलती हूँ कॉलेज आके करना क्या है पढ़ाई ही करनी है और मैंने बताया है कि जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी होंगे नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएंगे तो हमको छः से सात महीने ही सिर्फ पढ़ने के लिए मिलेंगे पूरा साल नहीं मिलेगा तो आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रहा फिर भी बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं कॉलेज तो खुला नहीं है कॉलेज तो मिला नहीं है क्लासेस तो शुरू हुई नहीं है क्यों पढ़े क्या पढ़े मन नहीं लगता अरे यार कॉलेज आ पढ़ना है छः सात महीने में कितना पढ़ लोगे छः सात महीने दैट मीन्स एक एक महीना हर सब्जेक्ट के लिए एक एक महीने में तो रिवाइज करते हैं हम लोग जब सिलेबस तो हो जाता है सब में चार पाँच आठ आठ यूनिट है सबका बहुत ज़्यादा कोर्स है तो और जो बच्चे यूपी बोर्ड वाले हैं उनको तो बहुत ज़्यादा टिपिकल होने वाला है क्योंकि इंग्लिश फुली इंग्लिश बेस्ड है तो समझने उनको बहुत प्रॉब्लम होगी पर फिर भी नहीं समझ रहे हैं फिर भी बोलते हैं क्या एक्सक्यूजेस क्या है उनके कॉलेज तो मिला नहीं है कॉलेज तो स्टार्ट हुआ नहीं है पढ़ाई तो हो नहीं रही है क्या पढ़ा है मन नहीं लगता है समझ नहीं आता है यार डेली वीडियोस डाल रही हूँ एम से क्यूज़ कराती हूँ समझाती हूँ आपको जो भी डाउट है सब क्लियर करी हूं, और क्या करूँ ओके ना तो प्लीज़ कंसल्टेट करो पढ़ाई पर मैंने आपको पहले ही बता दिया छः से सात महीने ही मिलेंगे सिर्फ सो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई ओके अब अपन स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और प्रीवियस वीडियो में हम लोग हम लोगों ने देखा था एक्ज स्केलेटन जिसके इसमें बहुत सारी बोन्स होती हैं स्कल हायोड ऑडिटरी ऑसिकल्स रेट ट्रनम वर्टेब्रल कॉलम फिर उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन भी था ओके सो so, हमने एक्ज uh, स्केलेटन का स्कल कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग हायोइड एंड ऑसिकल ऑडिटरी ऑसिकल्स को देखेंगे ओके सो लेट स्टार्ट हाईओड एंड ऑडिटरी ऑसिकल्स द हाइड इज ए स्मॉल यू शेप बोन फाउंड जस्ट इन फेयर टू मैंडेबल हाईओड है ना वो बहुत छोटी सी बोन है जो कि यू शेप्ड की होती है याद है ना यू शेप बोन कौन सी है हाईओड ओके okay? और हाईओड कहाँ पाई जाती है मैंडेबल में मैंने कल बताया था जब इस कल को बता रही थी मैंडेबल अपने लिप के पास होता है जो जॉ होता है ना जबड़ा जिसको बोलते हैं वही मैंडेबल होता है सो हाइड इज़ द ओनली बोन इन द बॉडी दैट डजेंट फॉर्म अ जॉइंट विद एनी अदर बोन हायोड एक इकलौती बोन है अपने बॉडी में जो कि किसी भी बोन के साथ कोई भी जॉइंट नहीं बनाती है ओके सो ये इज इज़ अज अ फ्लोटिंग बोन और जो हाइड है वो एक फ्लोटिंग बोन है सो so, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए फ्लोटिंग बोन इज द तो आपको बताना है हाओड याद रखना इम्पोर्टेंट है देन हाओड फंक्शन इज टू हेल्प द हेल्प होल्ड द ट्रैकिया ओपन एंड फॉम अ बॉनी कनेक्शन फॉर द टंग मसल हाईड का फंक्शन क्या है ट्रैकिया को ये होल्ड करता है ओपन ट्रैकिया uh, को होल्ड करता है और ओपन कराता है फ्रॉम अ बॉनी कनेक्शन टू अपने टंग का जो मसल है उसमें बोनी पार्ट टंग में टंगी मसल में जो बोनी पार्ट है वो हाईओट के थ्रू है और इसका फंक्शन क्या है ट्रैकिया को होल्ड कराना और ओपन कराना है okay? ओके अब सेकेंड अपन देखते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स सो ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या है मैलस इनकस एंड स्टेप्स मैलस इनकस एंड स्टेप्स तीनों बोन मिलकर ऑडिटरी ऑसिकल बनाते हैं ओके मैलस इनकस एंड स्टेप्स आर नोन एज ऑडिटरी ऑसिकल्स ओके सो so, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि स्टेप्स अपने बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन है ओके जो कि अपने कान में होती है मैंने आपको बताया और लॉन्गेस्ट बोन इज द फीमर जो कि पैर में होती है सो मेले इनका स्टेप्स आर नोन एज ऑडिटरी ऑसिकल्स आर द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी पहले भी बता चुकी हूँ फाउंड इन अ स्मॉल कैविटी इनसाइड द टेम्पोरल बोन और ये अपने टेम्पोरल बोन में पाई जाती है जो कि कान में होती है ओके द दे सर्व टू ट्रांसमिट एंड एम्प्लीफाई द साउंड फ्रॉम द इडम टू इनरडम और ये जो साउंड है उसको ईयर डम से इनर डम तक ट्रांसफ़र कराता है ओके सो so, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं वैसे तो सिंपल है और सिंपल ही लैंग्वेज में मैंने इतना कंटेंट इकट्ठा किया है और मैं आपको पूरा समझा रही हूँ फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट पूछिए और आपको फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप मैं व्हाट्सएप पर डेली मैं वगैरह कराती हूँ तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप मुझसे कमेंट नंबर मांग सकते हैं सो प्लीज़ का सपोर्ट करिए मैं आपको फुल सपोर्ट कर रही हूँ ओके प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो